जो पीछे आना यार Yes,
see what's happening. लड़कियों के साथ करते पागल है क्या? चले जा रहा है, पैर पैर कुछ नहीं, तो पीछे आना ना। पहले बाइट कर ले। अरे सब अरे किधर किधर अरे हाँ जनता 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 सर हो गया तेरा हो गया बीती को आवाज में आया क्या बोल रही है काम में बीच में उंगली करता है, बीच बीच में आ गया है। गर्मी तो इसी टेम्परेचर हाई चल रहा है इस समय। मुझे तो पिछले 8-9 साल से मेरा दोस्त है शिवा, और वही मुझे स्टाइलिंग करता है। और जब आज उन्होंने आज उनका ये 11वां उन्होंने शोरूम खोला है अपना स्पा का, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत बधाई दूंगा, बहुत मेहनत से बहुत स्ट्रगल करके वो ऊपर आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा। हमेशा उनका कुछ 8 से 11 जो है उनका ओपनिंग है, उसमें से मेरे ख्याल से तकरीबन 8 से 9 मैंने ओपन किया है। तो मेरे दोस्त थे, मित्र हैं, और जब मैंने उन्होंने कहा कि मधुर आपको आना है, तो मैंने बोला ठीक है, मैं अपनी पूरी कैलेंडर गर्ल्स की टीम को लेके आऊँगा, और वो आए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। हाँ ये शिवा सोचता है ऐसा, मुझे नहीं पता, लेकिन शिवा ऐसा सोचता है कि मैं उसके लिए बहुत लकी हूँ, और इसलिए हमेशा जब भी कुछ उनका नया स्पा खुलता है तो सैलून खुलता है तो मुझे पहले बोलते मधुर जी आपको ओपनिंग कर रहा है। और हमेशा मैं दोस्त थे, मैंने कहा कि बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत मेहनत की करते हैं, और आज मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से उनको जब सेंसर को ऐसा लगा कि ए सर्टिफिकेट जो है वो बराबर है, यूए नहीं मिल सकता, क्योंकि जो सब्जेक्ट है, जो थॉट है, बहुत हार्ड हिटिंग है, रियल है, तो मैं खुश हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से अल्टीमेटली उन्होंने कुछ काटा नहीं पिक्चर में से, जैसा है वैसा ही रखा है और पूरा इंटैक्ट रखा है, तो मैं
को लेकर बहुत खुश हूँ और फिल्म बहुत अच्छी बनी है और सेंसर को भी पसंद आई पिक्चर। बस उम्मीद करता हूँ जिस तरह लोगों ने प्यार बाकी पिक्चरों को दिया मेरे, उसी तरह वो इसमें भी देंगे अपना कैलेंडर गर्ल्स में भी, और उसी तरह से 25 सितंबर जो है वो डेट तारीख जो है वो ऑडियंस की दर्शकों की है, कैलेंडर गर्ल के साथ है। मैं डेफिनेटली एक सब्जेक्ट ऐसा है कैलेंडर गर्ल जो मेरे ख्याल से जो चीज़ आपको देखने मिलेगी कैलेंडर गर्ल्स में कभी जो देखा नहीं है, और जो एक मधुर का स्टाइल है, मधुर का सिनेमा है। कैलेंडर गर्ल में चाहता था न्यू कमर के साथ ही बनाने, बिकॉज वो सब्जेक्ट ही न्यू कमर्स का है, क्योंकि कैलेंडर गर्ल जो होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, न्यू कमर्स के लिए होता है। और कोशिश यही की मैंने कि 5 स्टोरी अलग अलग जो चल रही है एक साथ इंटीग्रेट कैसे हो, क्या होता है कैलेंडर गर्ल्स को लेकर कैलेंडर वर्ल्ड में, जो हम बताते हैं कि एक साल का जो इनका टेन्योर क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ लोग ये पसंद करेंगे पिक्चर को। थैंक यू।